हाँ ये सही होगा ना सर, ऊपर आ जाइए सर, ऊपर चढ़िए। ट्रेन में पता नहीं, हादसे में मरने वालों की संख्या 121 को पार कर गई। देखिए ये जो हादसा हुआ है बहुत दर्दनाक है, इसके लिए जितने भी बातें कही जाएं, हमें दुख है, हमारी पार्टी को दुख है, और जिनके परिवार के सदस्यों की जान गई है मैं उनके प्रति भी और उनको इस दुख के सहने की शक्ति मिले। जो हादसा हुआ है पूरी सरकार की लापरवाही है, प्रशासन की लापरवाही है, और ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश की सरकार और प्रशासन के लोग न जानते हों ये बातें, कि जब कभी भी इस तरह के कार्यक्रम होते हैं बड़ी संख्या में लोग आकर के शामिल होते हैं। जो जानकारी सरकार के पास थी उसके बावजूद भी सरकार को जो इंतज़ाम करना चाहिए था वो इंतज़ाम नहीं किया है। इस लापरवाही की वजह से जो जाने गई हैं उसकी जिम्मेदार सरकार है। बहुत से लोगों की जान बच सकती थी, ना समय पर गाड़ियों का इंतज़ाम करा पाए, एम्बुलेंस का इंतज़ाम करा पाए, और कोई अगर अस्पताल पहुंच भी गया, इलाज के लिए गया भी है, तो उसको भी वो पर्याप्त इलाज नहीं मिल पाया जो इलाज मिलना चाहिए था। ना ऑक्सीजन मिली, ना दवाई मिली, ना एम्बुलेंस मिली, और ना कोई इंतज़ाम किया। इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार है, जो बड़े बड़े दावे करती है। दुनिया में विश्वगुरु बन गए हैं, दुनिया में हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए हैं, हम 3री अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था का मायने यह है कि आप कोई भी इमरजेंसी में लोगों का इलाज नहीं करा पाओगे, किसी तरह की इमरजेंसी आ जाए तो उसमें आप लोगों की कोई सुविधा नहीं दे पाओगे। आप अस्पताल में ले जाएंगे तो खाली अस्पताल होंगी, ना दवाई होगी, ना इंतजाम होगा और ना ऑक्सीजन होगा, तो ये कैसी अर्थव्यवस्था है जो आप कहाँ पहुँचाना चाहते हो? ये सब इनकी बातें झूठी हैं। जिम्मेदार अगर कोई है तो उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है, जिसकी वजह से इतने बड़े पैमाने पर लोगों की जान गई।